हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ रसगुल्ले की एकदम जूसी और स्पंजी रेसिपी। इन रसगुल्ले को हम मार्केट वाले पनीर से बनाएंगे, यानी कि जो रेडीमेड पनीर आता है उससे बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे वाला बटन भी दबा दीजिए। तो आइए रसगुल्ले बनाना शुरू करते हैं। तो रसगुल्ले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लगभग 300 ग्राम पनीर लिया है। अब इसको हम कद्दूकस करेंगे। तो सारे पनीर को हमें किसी प्लेट में कद्दूकस कर लेना है। तो दोस्तों, सारे पनीर को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसको हम हथेली की सहायता से मसल मसल कर चिकना करेंगे, यानी कि इसे डो के रूप में कंबाइन करेंगे। तो लगभग 4 से 5 मिनट बाद हम इसे मसल मसल कर चिकना कर लेंगे और उसके बाद हम इसे ग्राइंडर में डालकर लगभग 30 से 40 सेकंड के लिए इसे ग्राइंड कर लेंगे, ताकि एकदम फाइन इसका डो है वो बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पे हमारा डो है वो बनकर तैयार हो चुका है। इसमें को मैंने लगभग 30 से 40 सेकंड के लिए ग्राइंडर में पीस लिया था और इसमें मैंने मिला दिया है लगभग 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। अगर आप चाहें तो इसमें मैदा भी डाल सकते हैं। अब इसको हम हल्का सा नीड कर लेंगे। तो अब इसमें से हम थोड़ा सा डो लेंगे और उसके हम गोल गोल बॉल्स बना लेंगे। ध्यान रहे, जब हम बॉल्स बनाएं तो इसमें कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए, इससे हमारे रसगुल्ले जब उबालते टाइम फट जाएंगे। अब देख सकते हैं इस तरह के हमें बॉल्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो सारे बॉल्स हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सारे रसगुल्ले के जो बॉल्स हैं मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसके लिए हम चाशनी बनाएंगे। इतनी देर में हम इसे कवर करके रख देंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। इसमें डालूंगा मैं लगभग 1.5 कप चीनी। अब इसमें डालूंगा मैं लगभग 4.5 कप पानी। अब इसको हम ढक देंगे और अब इसमें हम उबाल आने देंगे। तो आप देख सकते हैं चाशनी में उबाल आ चुका है और जो हमारी चीनी है वो भी अच्छी तरह घुल चुकी है। अब इसमें मैं डालूंगा 2 इलायची जिसको मैंने तोड़ लिया है। अब इसको हल्का सा चम्मच से मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारे रसगुल्ले के बॉल्स जो हमने बनाकर तैयार किए थे। तो ध्यान रहे, हमें एक एक करके बॉल्स डालने हैं। सारे बॉल्स जो हैं हमें एक साथ नहीं डालने हैं, इससे हमारे रसगुल्ले जब उबलते टाइम है वो फटने का चांस रहता है। तो इसलिए धीरे धीरे एक एक करके बॉल्स डालें। तो रसगुल्ले के सारे बॉल्स मैंने चाशनी में डाल दिए हैं। अब इसको हम हल्का सा उबालेंगे और इसको हम ढककर लगभग 10 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर इसे उबलने देंगे। तो लगभग 10 मिनट तक हमने इसे उबाल लिया। आप देख सकते हैं हमारे रसगुल्ले कितने फूल चुके हैं। तो इसको मैं ज़्यादा हिलाना नहीं है, यानी कि इसे टच नहीं करना है चम्मच को, बस हल्का सा इसे हम दूर दूर कर देंगे, ताकि जो एक सब रसगुल्लों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप हो जाए। तो इसको हमने हल्का सा हिला दिया है। अब इसको हम फिर से ढकेंगे और लगभग 10 मिनट के लिए हम इसे फिर से उबालेंगे। तो लगभग 10 मिनट तक हमने इसे फिर से उबाल लिया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी जो चाशनी है वो एकदम कम हो चुकी है। अब इसको हमें इसी तरह बिना ढके लगभग 8 मिनट के लिए और उबालना है। तो लगभग 8 मिनट तक हमने इसे और उबाल लिया है। अब इसको हम हल्का सा टच कर लेंगे। ये चम्मच से हम एक रसगुल्ला उठाकर देखेंगे तो हमारा रसगुल्ला है
बनकर तैयार हो चुका है, अंदर से भी वो एकदम कुक हो चुका है। तो इसकी जांच करने के लिए एक कटोरी में मैंने लिया है थोड़ा सा पानी और इस रसगुल्ले को हम इसमें डालेंगे। और अगर रसगुल्ला हमारा डूब जाता है, यानी कि हमारा रसगुल्ला जो है अंदर से कुक हो चुका है, और अगर नहीं डूबता तो इसे हमें लगभग 2 से 3 मिनट के लिए और उबाल लेंगे। तो हमारे रसगुल्ले हैं वो कुक होकर अंदर से तैयार हो गए हैं। तो अब इन रसगुल्लों को हम किसी दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो सारे रसगुल्लों को मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी लगभग 2 कप चाशनी को बचा लिया है, तो इसको हमें उबालकर थोड़ा गाढ़ा करना है। लगभग 2 से 3 मिनट तक हम इसे उबालेंगे। तो इसको हमने अच्छे से उबाल लिया है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और लगभग इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। और 5 मिनट बाद यह हमारी चाशनी है वो थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने एक छलनी ली है, क्योंकि चाशनी में थोड़ा सा पनीर के टुकड़े थे इसलिए वो छन जाएंगे, तो इससे हमारी चाशनी एकदम क्लियर बनेगी। तो सारी चाशनी को मैंने बाउल में डाल दिया है। अब इसको हमें लगभग 2 घंटे के लिए ठंडा कर देना है, और उसके बाद 1 घंटे के लिए हम इसे रेफ्रिजरेट कर देंगे। तो दोस्तों लगभग 3-3.5 घंटे बाद हमारे जो रसगुल्ले एकदम कम्प्लीटली बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको एक रसगुल्ला उठाकर दिखाता हूँ, इसमें को दबा कर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं हमारे रसगुल्ले कितने स्पंजी बने हैं, दबाने पर कितनी चाशनी निकल रही है इसमें। तो पास से मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं हमारे रसगुल्ले कितने स्पंजी बने हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो या रेसिपी पसंद आई हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।